व्यू। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। वीडियो दस्ते के अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। वीडियो में यह लोग दिखाई दे रहे हैं। नानाखेड़ा क्षेत्र में सुलभ कॉम्प्लेक्स पर पहुंचकर कॉम्प्लेक्स संचालक के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ कर दी। सुलभ कॉम्प्लेक्स संचालक द्वारा नानाखेड़ा थाना में पहुंचकर तोड़फोड़ हो रही थी। तथ्य के साथ वीडियो भी देकर कार्रवाई कराई गई। बताया जा रहा है अपने साथियों के साथ सुलभ कॉम्प्लेक्स पहुंचकर उसके साथ मारपीट कर तोड़फोड़ की। मौके पर नानाखेड़ा क्षेत्र की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। हालांकि पूरे मामले में उज्जैन पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। थाना नानाखेड़ा क्षेत्र में सुलभ शौचालय का एक केयरटेकर और संचालक है, जिसके साथ में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। उसका वीडियो लाइव वायरल हुआ है। इसमें जो अज्ञात आरोपी हैं उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और दो तीन जो आरोपी हैं उनको हिरासत में भी ले लिया गया और जो आरोपी हैं उनको भी तलाश किया जा रहा है। जो विवाद का जो मुख्य विषय था कि शुल्क लेकर उसका उपयोग क्यों करने दिया जा रहा है, उनकी मनमर्जी के हिसाब से उनका उपयोग करने दिया जाए, ये गलत तरीका है और उन आरोपियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौन है आरोपी जो मारपीट करते नजर आ रहे हैं? जो आवेदक है वो तो नहीं जानता, लेकिन वीडियो के माध्यम से हमने पहचान स्थापित करवाई है। इसमें दो तीन लड़के हैं जो पहचान जिनकी हो भी चुकी है और बाकी लड़के हैं उनको भी शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। सर, शहर में लगातार जिस प्रकार जो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रामजी निगम तथा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर टीके मिश्रा अपनी टीम के साथ रविवार सुबह महाकाल मंदिर पहुंच गए थे। करीब 10 से अधिक सदस्यों की टीम ने सबसे पहले दर्शन किए तथा शिवलिंग की वर्तमान स्थिति को देखा। इसके बाद टीम ने मंदिर के पूरे स्ट्रक्चर की जांच शुरू की। प्रथम तल पर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर को देखकर टीम ने कहा कि यह हजारों साल पुराना है तथा आगे भी हजारों साल तक यह मजबूती के साथ बना रहेगा। टीम को जहां भी कमियां नजर आ रही थी वहां तुरंत वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ ली। साथ ही साथ रसायनों के माध्यम से भी पत्थरों का परीक्षण किया गया। टीम ने आधिकारिक रूप से तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यह बात खुलकर सामने आई है कि शिवलिंग के शरण का मुख्य कारण अभिषेक में दही का उपयोग किया जाना है। आम भक्तों को शिवलिंग पर दही चढ़ाने नहीं दिया जाता है, लेकिन जब भी VIP दर्शन करने आते हैं तो बाल्टियां भर कर दही, दूध, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं महाकाल में चल रहा VIP कल्चर बाबा महाकाल के शरण का कारण बना रहा है। SDI और SSI की टीम ने जांच में सहयोग के लिए महाकाल मंदिर प्रशासक सुजन सिंह रावत सहित अन्य कर्मचारी में मौजूद थे। मंदिर की छत पर टीम को सीलन दिखाई दी। जब टीम ने दूसरी मंजिल पर जाकर देखा तो मंदिर समिति ने यहां पर सीमेंट का राला छत पर किया हुआ था। यह इसलिए किया गया था ताकि पानी ऊपरी मंजिल से रिस कर निचले मंजिल और गर्भगृह तक न आए। यहाँ सीमेंट से अस्थाई मुंडेर बनाई हुई थी। कई स्थानों पर पिल्लर के आसपास टीम को सीलन और रिपेयरिंग भी नजर आई। इस टीम ने गंभीरता से लिया। कुछ स्थानों पर मूर्तियां जनशर्ण हो रही थी, जिसकी भी वीडियोग्राफी की गई। टीम जांच करते हुए सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। टीम ने यहां देखा कि नागचंद्रेश्वर भगवान के श्रृंगार के लिए पुजारी केमिकल युक्त रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीम ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने यहां भी प्रतिमा की फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट तैयार की। दोनों टीम ने बड़ी गंभीरता से पूरी जांच की। हर स्थान पर जहां भी छोटी छोटी गड़बड़ी नजर आई तुरंत उसे गाड़ी में नोट किया। करीब 20 से अधिक बिंदुओं की टीम ने गाड़ी में नोट किया। इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसे सुप्रीम कोर्ट को सीधा भेजा जाएगा। मंदिर प्रबंध समिति की बैठक थी। बैठक में सर्वोपरि तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश किए हैं उसका पूर्ण रूप से पालन हो और साथ में इसका विकास भी जो विकास में सर्वप्रथम तो जो अभी जो रुद्रसागर की ओर का जो विकास है उसी के ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान है और महाकाल धर्मशाला और प्रवचन हाल का डिसमेंटल करके कोई नया निर्माण करने की योजना बनाई है, जो आज समाचार पत्रों में और चैनलों के और आपके माध्यम से ज्ञात हो रहा है। और मंदिर का भी जो शिवलिंग का शरण जो है वो कम से कम उसमें
जल व्यवस्था और दूध व्यवस्था पे ध्यान दिया जाएगा और अन्य व्यवस्थाएं भी जैसे थी उसके लिए भी एक बजट बनाया है। जो मकान वगैरह अधिग्रहित करेंगे तो उसके लिए भी एक बजट बना के रखा है और बजट भी पेश होना है जो इस मीटिंग में होना था लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ है। वो बजट के साथ में इस पूरे मंदिर का विकास और प्राचीनता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके अंदर है, तो जो मंदिर का पुरातत्व दिखता वो ध्यान देने की विशेष बात इसमें समिति की बैठक में निर्णय हुआ। हाँ, ये जो एक है तो 100 रुपये में जो एक सुविधा दी है कि यदि बाद ये जो ऑनलाइन नहीं करा पाता है तो वो आके 100 रुपये की रसीद कटा के तुरंत दर्शन कर सकता है। ये सुविधा दी है और ये इसमें जिस तरीके से 250 रुपये की लेना पड़ती थी 100 रुपये से अधिक दर्शनार्थी इसका लाभ ले। देखिए, आज जो कुछ मुद्दे हैं महाकाल मंदिर प्रबंध समिति में जिसमें जो डिसाइड हुए हैं, हालांकि उनमें कई में पहले से ही आम सहमति बन चुकी थी जिसमें कि जो हमारा धर्मशाला प्रवचन हॉल और अन्य क्षेत्र का स्थान है वहां पर हम लोग रुद्र सागर को और कोटी तीर्थ को मिलाकर एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और इन चीज़ों को हम लोग जो जयसिंहपुरा में भी हम लोगों ने जमीन खरीदी है वहां पर लेके जा रहे हैं। 3.5 करोड़ रुपए का दान जेके सीमेंट भी दे रहा है जिसके माध्यम से हम वहाँ पर धर्मशाला का निर्माण भी वो कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा अन्य जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उससे जुड़े हुए कुछ कुछ बिंदु थे जिसमें 500 मीटर के सीमांकन का विषय था और उससे किसी प्रकार का घर्षण और मलने का जो प्रतिषेध किया गया है उस संबंध में निर्णय आज की प्रबंध समिति में लिया गया। सर, क्या कुछ करने जा रही मंदिर समिति क्योंकि वो घिसने वाली जो बात सामने आई थी उसके लिए कोई खबर चलाने की बात? देखिए, लिए घिसने को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज मंदिर पुजारी समितियों की बैठक से भी हमने इसको पूरी तरीके से अप्रूव करा लिया है। हम लोग CCTV के माध्यम से इसको मॉनिटर भी करेंगे और इसके अलावा जो पारंपरिक 5 पूजाएं उनको छोड़कर किसी भी तरीके का जो पंचामृत का अभिषेक है वो भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। सांची के साथ में हम लोग समन्वय करके वहां से दूध और घी शुद्ध ही चढ़े उसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। सर, एक बड़े प्रोजेक्ट की आपने बात की, नया प्रोजेक्ट देखिए रुद्र सागर में हम लोग जो मृदा का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उसके साथ कुछ चीजें और जोड़ रहे हैं जिसमें नरसिंह घाट से क्षिप्रा का पानी लेकर हम लोग रुद्र सागर में लेके आएंगे जिससे कि वो हमेशा 12 महीने उसमें जल रहे और जो हमारा पूरा का पूरा रुद्र सागर कोटितीर्थ के बीच का हिस्सा है वो इस तरीके से रहे कि शिखर दर्शन जो हमारे रुद्र सागर के उस पार से भी होते रहे। इस संबंध में हम लोग प्लानिंग कर त्रिवेणी संग्रहालय से चारधाम तक की रोड है वो बहुत सक्रिय रोड है उसको हम लोग 24 मीटर की बना रहे हैं जिससे कि आवागमन में सुविधा भी रहेगी और वहां पे कुछ अच्छी लैंडस्केपिंग घाट के साथ में भी हम लोग करेंगे जिससे वहां पर लोग जाकर समय भी व्यतीत कर सके और अगर ट्रैफिक के लिए यूज करना हो तो भी किया जा सके। देखिए, मंदिर में आज ASI और GSI इनके अधिकारीगण आए हैं। मूल रूप से जो शिवलिंग है उनकी आज जांच कर रहे हैं लोग और जो और हमारे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर मंदिर में उनका संरक्षण के संबंध में भी जांच कर रहे हैं और ये जांच करके फिर इनकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। अभी तो शुरुआत है, आज पूरा कैमराज हैं, कुछ मशीनें हैं, कुछ इनके जो अपार्टस है उससे पूरा जांच करेंगे और समय लगेगा फिर रिपोर्ट में। हाँ, 2 साल पहले एक इंस्पेक्शन किया था इस टीम ने और उसमें कुछ सुझाव दिए थे। उन सुझावों के आधार पर जो एक हमेशा पॉइंट आता है संरक्षण के संबंध में तो उसमें मंदिर समिति के द्वारा कार्य भी किए गए हैं जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में भी रखा था और उसमें उसी के आधार पर नया क्या डेवलपमेंट हुआ है वो अभी इस रिपोर्ट में आएगा। कितने दिन जांच करेंगे? आज का है, आज दिन भर करेंगे लोग। ठीक है। देश भर में हाथरस की घटना के बाद अब बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, हत्या की बढ़ती वारदात को देखते हुए उज्जैन शहर के शब्द और शांतिप्रिय इलाकों की बालिकाओं ने उज्जैन SP से सुरक्षा की मांग की है। उज्जैन की सड़कों पर शाम ढलते ही कई क्षेत्रों में अंधेरा छा जाता है जिससे कोठी रोड, तृप्ति एवेन्यू, महानंदा नगर, ढांचा भवन, मोहन नगर, संदीपनी नगर, रत्न एवेन्यू तथा शहर के अन्य सुनसान जगहों पर छेड़छाड़ की घटना होती रहती है। इसी को लेकर कुछ बच्चियां उज्जैन के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, हाथ में तख्तियां लिए हुए प्रदर्शन करती दिखाई दी,
ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने उज्जैन में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी चौराहे तथा सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस कस्टडी बनाने तथा उज्जैन नगर में घूम रहे गुंडा तत्वों तथा मनचलों व नशेड़ी युवकों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। सिर्फ उज्जैन की लड़कियों को नहीं, हर जगह की लड़कियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम लोग एसपी कार्यालय इसलिए आए, आवेदन लेके आए ताकि हम लोगों को सुरक्षा मिले। हम लोगों की गलियों में स्ट्रीट लाइट शाम को 7 बजे बंद हो जाती है, सड़कों पे लोग ड्रंक होकर खड़े रहते हैं और गलत नजरिए से देखते हैं। इन सब के लिए हमें सुरक्षा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। क्या नाम है? दीपिका गोड़। वीओ प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने हाथरस में हुई घटना को लेकर बेटियों को मजबूत बनाने की सलाह दी है। बेटियों को भीतर और बाहर से मजबूत बनाने, आध्यात्मिकता संस्कारों और शस्त्र चलाने की दृष्टि से प्रशिक्षित होना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि संगठन राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से हम प्रतिवर्ष शारीरिक, आध्यात्मिकता, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए परीक्षण शिविर आयोजित करते हैं। प्राथमिक वर्ष से लेकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण बहनों और आत्मबली बनते हुए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाता है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने मध्य प्रदेश की सब बेटियों से प्रार्थना की है कि यदि व्यक्तित्व का विकास चाहती हैं तो खुद इस संगठन के साथ जुड़कर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिकता, सामाजिक प्रशिक्षण प्राप्त करें। माँ भारती की सृष्टि बेटी बनकर समाज के नेतृत्व करें, सेवा की मानवता का रक्षण और पोषण करें। मध्य प्रदेश की बेटियों को मेरी एक ही मशविरा है, सलाह है, हम भीतर बाहर से मजबूत बने। हमें आध्यात्मिक दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से, शस्त्र चलाने की दृष्टि से प्रशिक्षित होना पड़ेगा। और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रही हूँ भाई, मैं अपने संगठन के माध्यम से, हमारा अपना संगठन जिसकी मैं मूल कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्र सेविका समिति की, हम प्रतिवर्ष बहनों को शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं। प्राथमिक वर्ग से लेकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के ये प्रशिक्षण बहनों को आत्मबली बनाते हुए उन्हें स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाकर खड़ा करता है। मैं मध्य प्रदेश की सब बेटियों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यदि आप अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास चाहती हैं तो खुद इस संगठन के साथ जुड़कर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक प्रशिक्षण प्राप्त करें और माँ भारती की सशक्त बेटी बनकर समाज का नेतृत्व करें, सेवा करें, मानवता का रक्षण और पोषण। मोदी जैसे प्रधानमंत्री और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री जब हो तो प्रदेश और देश को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। योगी जी ने अपनी छाप बनाई है सारे देश के अंदर बंगाल से अपराधीकरण को समाप्त करने की, और हमने देखा है कि ऐसा कोई भी अपराधी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मोदी जी की सरकार के हाथ लग गया तो उसको उन्होंने जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचाया है। और इसलिए कोई घटना हो गई तो यदि अधिकारी दोषी है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, और अपराधी अगर है तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। घटना हुई शर्मनाक, पर जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। और हमें मोदी जी की और योगी जी की न्यायप्रियता पर विश्वास है। आज भी हमारा एक कृषि बिल के समर्थन में जुलूस निकल रहा था, उसमें महिलाएं भी थी। कम से कम 100 बम फेंके उन्होंने उस पूरी रैली के ऊपर। हमारी कई महिलाएं घायल है, कई कार्यकर्ता गायब है, और हमें लगता है कि आज भी कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या हत्या हुई होगी वहाँ पर। और वहाँ ममता जी के नेतृत्व में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, वो सिर्फ उनके लिए, उनका कुर्सी पर मुँह है उनका, इंसान की जान की बंगाल में कोई कीमत नहीं, और इसकी कीमत ममता जी को चुकाना पड़ेगी। बिहार में अब तो एक तरफा हो गया है और नितिन जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया, पारदर्शी सरकार दी है, एक ईमानदार नेता की छवि है, एक विकास पुरुष की छवि है,
और मोदी जी ने भी लगभग 1,00,000 करोड़ की जो योजनाएं पिछली बार घोषणा की थी उसमें से काफ़ी काम हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि बिहार में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी नहीं। मध्य प्रदेश में भी हम चुनाव जीतेंगे ही, और 28 सीटों पर चुनाव होगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा इधर 28 के 28 सीटें जीत जाएंगे हम। पर कार्यकर्ताओं में तो चर्चा करना ही पड़ती, क्योंकि ये बाय इलेक्शन में कार्यकर्ता और मतदाता दोनों सुस्त होते हैं, कार्यकर्ता भी सुस्त होते हैं और मतदाता भी सुस्त होते हैं, इसलिए मतदाताओं को जागृत करने के लिए कार्यकर्ताओं की उनके घर पर उनके दरवाजे पर दस्तक दिलवाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए सब कार्यकर्ता को हम संदेश दे रहे हैं कि एक एक मतदाता के घर जाएं और मतदाता से आश्वासन लें कि वो पोलिंग बूथ जिस दिन पोलिंग होगा उस दिन पोलिंग बूथ पर जाएं और वोट डालें, क्योंकि कोविड के कारण ये भी एक थोड़ा सा लगता है कि लोग ऐसा नहीं हो कि अवॉइड करें, तो कार्यकर्ताओं की भूमिका इसमें बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक तरीके से जाकर जनता के बीच में अपनी बात रखें। कांग्रेस की जो छवि है वो अविश्वसनीय, अविश्वसनीय नेता, किसानों से वादा किया पूरा नहीं किया, नौजवानों से वादा किया पूरा नहीं किया, दूध उत्पादकों से वादा किया पूरा नहीं किया, शिक्षकों से वादा किया पूरा नहीं किया, तो ये कि उनके अविश्वसनीय राजनीति के अंदर एक छोटा सा शब्द है विश्वास, बड़ा महत्वपूर्ण असर करता है, तो विश्वास मोदी जी के प्रति है, शिवराज जी के प्रति है, पर राहुल के प्रति नहीं है और ना ही कमलनाथ जी के प्रति, तो विश्वास विश्वसनीयता ली है। कोई दिग्विजय सिंह कोई इस देश के कोई हस्ताक्षर थोड़ी है, कि राष्ट्रपति थोड़ी है कि वो एक हस्ताक्षर लगा देंगे तो गद्दार हो जाएगा, उनके भाई ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी क्या, कांग्रेस ने छोड़ी थी, तो उनके भाई गद्दार नहीं थे क्या, पहले अपने घर के बारे में सोचो उसके बाद दूसरे को बताओ।